रसायन मुक्त खेती करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रति बीघा के हिसाब से 20 किलो सरसों की खल, 20 किलो सरसों की खल और 5 किलो मूंगफली की खल को बारीक कूट करके पीस लेवे, और उसके अंदर 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से गुरु माइको राजा डालना है, और 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से गुरु शक्ति डालनी है। इन सबको मिला करके धान में छिड़काव कर दें, इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। अभी हम इसमें डाल रहे हैं, इसका मात्र 5 और 7 रोज में इसका रिजल्ट देखिए आप। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ भंवर सिंह जी और ये यहाँ पे हैं राजेंद्र सिंह जी, इनके खेत में जो जैविक खेती करते हैं, और मैं खुद जैसे 50 बीघों की खेती करता हूं, तो मैंने खुद ने यहां पे आके देखा है रिज़ल्ट। जैसे अभी ये महीने के आसपास का धान है, तो इसके अंदर इन्होंने ना यूरिया डाला है, ना डीएपी डाला है, ना कोई फंगीसाइड डाला है। और अभी जैसे मैं आया हूं तो मैंने यही चीज़ देख रहा हूं भाई, ना तो इसमें कोई फंगीसाइड है, ना कोई कुछ भी नहीं डाला भाई, विदाउट इसके खड़ा है। और बहुत शानदार सिचुएशन में आप देख सकते हैं पौधा भी कितना बढ़िया बना है इसमें, ये देखिए आप, ना कोई मच्छर है, ना कोई कहीं फंगीसाइड भी नहीं है, ना कोई ये जो अपने कहते हैं ये नील हरित सेवाल, जिसको ये हरा हरा सा कमोदरी, ये भी देखिए फटी पड़ी है एकदम, बिल्कुल मान लो अलग अलग हो रखी है एकदम भाई, ये एकदम बिल्कुल अलग अलग है, जो अपने पपड़ी बन जाती है और है। तो इनको मैंने पूछा भाई आपने क्या यूज़ किया है, तो इन्होंने बोला है भाई गुरु शक्ति है एक इनका प्रोडक्ट, उसको नीम की सरसों की खली में मिला के प्रयोग किया है। तो उसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना शानदार है। मैं खुद अभी ये इनसे ऑर्डर किया है भाई, मेरे को भी ला के दो, मुझे भी जैसे ये मेन समस्या है, ये देखिए आप जो हमारे राजस्थानी भाषा में कहते हैं कमोदरी, इनके यहाँ पे देखिए बिल्कुल मान लो नाम मात्र सी एकदम, और अपने यहाँ पर पपड़ी बन जाती है और ना पौधा चल सकता है, साथ में कीड़ा लगता है वो अलग मेन समस्या, और साथ में उसमें आती है फंगस की सबसे ज़्यादा समस्या, जो मैं अभी देख रहा हूँ हरे किसी के खेत में जाके देख रहा हूँ भाई, सबसे ज़्यादा समस्या यही है भाई, साइडों में यहाँ पे फंगस आ रही है। और ये पौधा देखिए एकदम शानदार खड़ा है, साइड में है, साथ में इसके ऊपर भी जैसे ये कमोदरी सी है, जो ये थोड़ी बिल्कुल भी नहीं है, फटी पड़ी है एकदम, इसको मतलब कटी पड़ी है। धन्यवाद जी, आपको यही सलाह दूंगा भाई, आप भी और ना तो छोटे लेवल पे जैविक खेती की ओर थोड़ा रुझान करके देखिए। शुरू में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत भाई उपज में कमी आए, लेकिन शानदार रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और जहर से मुक्त जैविक खेती की ओर भारत।